Hi, good morning friends. Today is 4th March 2018, so we shall discuss about the current affair facts for the competitive exams. So, ये आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे टेलीग्राम पे मेरा यूपीएससी लाइव के नाम से चैनल है और फेसबुक पे मेरा आईएसएफपीएस रेंजर के नाम से पेज है और इसके अलावा मैंने एक ग्रुप भी क्रिएट कर रखा है जिसमें हम पीडीएफ वगैरह शेयर कर सकें. सो और भी बुक्स अगर हम शेयर कर सकें तो मैंने इसीलिए ग्रुप क्रिएट किया है ताकि ग्रुप थोड़ा सिक्योर रहता है एज कम्पेरिजन टू पेज. बाकी हम डेली पोस्ट तो मैं ये भी जो लेक्चर्स हैं ये तो डेली पोस्ट करता ही हूँ पेज पर भी. सो आप ग्रुप में भी देख ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आई एस आई पी एस चैलेंजर के नाम से एक ग्रुप है. तो आपको पता ही होगा क्या स्ट्रेटजी रहती है डिस्कस करने की. तो फ्रेंड शुरू करते हैं कोर्ट से, डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बिकॉज सक्सेस डिपेंड ऑन द आर एफर्ट. सक्सेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम. सक्सेस इस चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता कि टाइम पे कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, लक का आएगा साथ देगा. कोई भी अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना होता है, हमें उसको क्रिएट करने देता है. मैन कैन डू एनी थिंग, जैसे कि आपने कही होगी, कई स्टेटमेंट सुनी होगी कि मैन कैन डू एनी थिंग. सो वाई वी कांट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस. सो वाई वी वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, वाई वी कांट क्रिएट इट. सो देट आर लॉट ऑफ द थिंग दैट वी नीड टू बी डिस्कस. सो थिंकिंग वेरी फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, पर हमें यही सोच के चलना चाहिए, हमें किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करना चाहिए सेकंड पे कि हमारा टाइम आएगा तो अब होगा. अगर हम खुद अपना एफर्ट रेगुलरली रखेंगे तो डेफिनेटली वी शैल अचीव आर गोल. तो फ्रेंड्स इन सभी बातों को छोड़ते हुए ये एक मोटिवेशन ही होती है. इसके अलावा शुरू करते हैं क्या क्या जो फैक्ट्स हैं यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं. तो इंडिया और जॉर्डन के बीच अगर आप देखा जाए तो 12 एग्रीमेंट साइन हुए हैं. तो आपको बताया कि जो जॉर्डन के किंग थे यहाँ पे जॉर्डन अब्दुल्ला जी, तो जॉर्डन के किंग थे अब्दुल्ला टू आईबीएन अल हुसैन. तो आपको पता होगा ये आए हुए थे इंडिया में, तो इन्होंने मतलब 12 एग्रीमेंट साइन किए इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ. तो ये सारे इसमें क्या 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 एग्रीमेंट्स इंक्लूड होते हैं चलो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. डिफेंस कॉरपोरेशन, वीज़ा वेवर के बारे में, कल्चरल एक्सचेंज, मतलब एक दूसरे का कंपनी के साथ शेयर बढ़ेंगे जितने ज़्यादा एग्रीमेंट साइन होंगे. देखने आपको देखने को मिला होगा कि जैसे जब से मोदी जी यहाँ पे आए हैं तो कई कंट्रीज में इन्होंने देखा होगा कि आपकी हर कंट्री में, मतलब अगर आपने देखा होगा कि ये आगे बढ़ के जाते हैं एक दूसरे, तो एक प्रकार से ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे देखा जाए तो जब अभी अब्दुल्ला यहाँ पे आए हुए थे तो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए. इसके अलावा अगे नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर ने अभी 2900 करोड़ रुपया अगर आप देखा जाए तो सिटीज हैं सेफ वोमेन करने के लिए निर्भय फंड के लिए लगाया है. अभी निर्भय फंड क्या है, निर्भय फंड ये क्रिएट किया गया है टू डिग्निटी और द सेफ्टी ऑफ द गर्ल फ्रॉम द चिल्ड्रन एंड फॉर द गर्ल चिल्ड्रन और वोमेन के लिए मेनली इस चीज़ पर फोकस किया गया है. तो इसके लिए अभी 2900 करोड़ अगर आप देखा जाए 2900 करोड़ है जो प्रोजेक्ट के लिए मेनली दिया गया है, यहाँ पे सेंटर के द्वारा अप्रूव किया गया है. तो इसमें कौन कौन सी सिटीज़ को मेनली फोकस किया गया है, जैसे यहाँ पे देखा जाए जो 8 मेजर सिटीज़ हैं ये हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड द लखनऊ. तो ये हमें पता होना चाहिए जो 8 सिटीज़ हैं. इसके अलावा यहाँ पे कैबिनेट के बारे में डिस्कस किया गया, NFRA के बारे में, नेशनल फाइनेंसिंग रूरल अथॉरिटी के बारे में. कैबिनेट ने अगर आप देखा जाए तो NOD दे दी है. तो जहाँ पे अगर देखा जाए आप तो यहाँ पे मतलब फ्यूगनेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल है, इसी के बारे में यहाँ पे डील हो रही है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, करप्शन करते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं. तो उसके द्वारा अगर देखा जाए कि अभी 2018 में मतलब यही डील की गई है कि इन लोगों को बाहर जाके भी अवॉइड नहीं किया जाएगा, ओवरसीज टू अवॉइड द गेटिंग आउट. तो यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है मेनली इस बिल में कि जो लोग यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं, अभी जैसे आपको पता होगा PNB का घोटाला हुआ है तो अभी ये मतलब इनके जो पासवर्ड वगैरह हैं सारे जब्त कर लिए गए हैं. तो यहाँ पे एक बंदे ने जब करप्शन किया हुआ तो उसको डेफिनेटली यहीं पे कहीं पे भी जाके पकड़ लेना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो वहाँ पे कोर्ट पे उसका मतलब वो पेशी देगा और उसके वहाँ के हिसाब से मतलब चढ़ने लग पड़ते हैं, उस पे सारे इंप्लीमेंट रूल होने लग पड़ते हैं. ऐसा नहीं है, ऐसे तो कई जो पर्सन है जिनके पास जिन्होंने हजारों का घोटाला किया होगा वो तो पहले ही अपनी लाइफ सेटल करके बैठे होंगे, इधर उधर वहां पे PR लेके बैठे होंगे. तो इसी के लिए यहाँ पे NFRA यहाँ पे कैबिनेट के द्वारा इसको NFRA को अप्रूव कर दिया गया. अगर आप देखें तो ये इसमें फ्यूगनेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल है, तो ये 2018 है जो कि डील हुआ है, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है. इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आपकी SBI हाइक्स द लैंडिंग रेट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SBI के द्वारा जो लैंडिंग रेट है बढ़ा दी गई है. तो अगर आप देखा जाए तो जब घोटाले होंगे डेफिनेटली तो देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, तो मतलब अगर आप देखा जाए तो हर जगह कहीं ना कहीं तो बैंक भी निकाल लेगा ना. तो यहाँ पे देखा जाता है कि हर चीज आम पर्सन पे निकाली जाती है कोई भी चीज़. जगह अगर आप देखा जाए तो मतलब अगर आप देखा जाए तो कोई भी चीज़ है मतलब ये आम बंदे पे इंप्लीमेंट होती है, जो दूसरे पर्सन जाइए तो इनको तो कहा जाता है कि नहीं आप यहाँ से मतलब नहीं रह रहे.
एलओसी के थ्रू यहाँ पे नहीं ले रहे तो आप सेकंड बैंक में जाके ले लो, मतलब इंक्वायरी नहीं होती उसमें, क्यों दे देती है दूसरी बैंक उसको अगर उसको एलओसी वगैरह मिल गई होती है तो। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए बैंक में। और देखिए आप, अगर आप लेंडिंग रेट है, उधार रेट है, वो आम पर्सन पे बढ़ाया जाएगा, हाउस लोन बढ़ा दिया गया, कार लोन बढ़ा दिए गए, सिंपल पर्सन पे आ जाके उस चीज का कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है तो आम पर्सन पे पड़ता है या मिड फैमिली में पड़ता है। जो बंदा रिच होता है उस पर तो इन चीजों का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो लोन कर लेने की जरूरत ही नहीं होती, वो पहले इतनी मनी सेव करके बैठा हुआ होता है, उसका बिजनेस इतना एक्सपैंड होता है। जहाँ कोई अगर करप्टेड पर्सन है तो उसने पहले इतने घोटाले कर रखे होते हैं। तो अगर आप देखा जाए, दिस इज द फर्स्ट लैंडिंग रिविजन आफ्टर द 2016, तो अगर आप देखा जाए अप्रैल 2016, 2 साल के बाद नियर अराउंड मतलब लैंडिंग रेट इंक्रीज हुई है। अगर घोटाले हो तभी इन लैंडिंग रेट को इंक्रीज देखने को मिला है इनडायरेक्टली, अगर यहाँ पे देखा जाए तो। यहाँ पे इसके अलावा ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला है, अगर आप देखें वर्ल्ड लार्जेस्ट लार्जेस्ट सोलर पार्क है शक्तिशाला, जो कि कर्नाटका में लॉन्च हुआ है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, तो ये चीज़ इसमें नोट करने वाली है। तो देखा जाए यहाँ पे मतलब कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ये मतलब प्लांट है यहाँ पे, जो इसके द्वारा ये फर्स्ट इसका फर्स्ट फेज है। यहाँ पे कहा गया है कि 2000 मेगावाट मतलब सोलर पार्क में अगर जनरेट होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे फोकस किया जा रहा है 100 गीगावाट, जैसे इन्होंने कहा था कि प्रोजेक्ट में मतलब 100 गीगावाट, जो मतलब यहाँ पे यही चीज इंक्लूड होने को आती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि अगर हमें रेगुलर मतलब अगर हम देखा जाए तो हमें सोलर एनर्जी मिले, इसके अलावा मतलब सोलर एनर्जी विंड एनर्जी से ज़्यादा चीज़ें जनरेट कर की जाएँ, अगर ज़्यादा एनर्जी जनरेट की जाए और हम इस चीज़ को यूज़ कर सकें। क्योंकि अगर ये एक रिन्यूएबल सोर्स है, अगर हम इसमें देखा जाए तो ये सारी चीज़ें इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप देखा जाए यहाँ पे कि कहा गया है, जैसे यहाँ पे कहा गया है फर्स्ट फेज है 2000 मेगावाट सोलर पार्क है, पर यहाँ पे अभी तक अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे 600 मेगावाट ही जनरेट हो पाती है अगर शक्तिशाला में। चलो हमारे इंडिया में इतना तो चलता ही है, कहा कुछ जाता है किया कुछ जाता है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखो इंप्लीमेंट हो रही हैं, साथ के साथ आपके सामने प्रूफ है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इसको कागजों में घोषित कर दिया। आप देखते हैं कि 1400 मेगावाट भी इसमें जनरेट हो पाती है कि नहीं, पर चलो फिर भी याद रखने के लिए ये कर्नाटका में शक्तिशाला है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्क है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क है। इसके लिए इसमें अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब अगर देखा जाए सोलर प्रोजेक्ट, तो ये 13,000 एकड़ के लिए अगर आप देखा जाए 13,000 एकड़ में मतलब इस्टेब्लिश है। अगर आप देखा जाए स्प्रेड हो रही है यहाँ पे इसकी एनर्जी, स्प्रेड हो रही है 5 विलेजेस में इसकी एनर्जी स्प्रेड हो रही है। तो यहाँ पे कर्नाटका सोलर पॉलिसी है वो मतलब 2014 से 2021 तक है। तो इसमें यहाँ पे मतलब स्टेट ने कहा है इकोनॉमिक फ्रेंडली मतलब बनाना है, मतलब हर चीज़ को मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना है, मतलब अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी जनरेट करेंगे तो ये एक देखने को पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे फिर भी यहाँ पे देखा जाए तो मतलब यहाँ पे जैसे कहा गया है 2020 तक 100 गीगावाट करनी है, ओनली 600 मेगावाट यहाँ पे जनरेट हो रही है, विच इज़ वेरी लेस। अगर लार्जेस्ट में 600 मेगावाट है तो कैसे कवर अप की जाएगी 100 गीगावाट। तो कई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, पर हमें फैक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क शक्तिशाला है, ये लॉन्च हुई है कर्नाटका में। इंडिया बांग्लादेश रशिया साइन पैक्ट फॉर द रोपर एटॉमिक प्लांट, यहाँ पे इसी के बारे में डिस्कस किया गया है, रशियन एटॉमिक एनर्जी। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इनिशिएटिव देखने को मिला है इंडिया और रशिया की डील के बीच में, जिसमें जो प्रोजेक्ट है वो थर्ड कंट्री में मतलब लगाया जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए कि अगर फर्स्ट टाइम है कि इंडियन कंपनीज जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं अगर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट अब्रॉड में कहीं बाहर, तो ये मतलब इंडिया बांग्लादेश और रशिया के बीच में साइन हुआ है एग्रीमेंट, मॉस्को में साइन हुआ था ये एग्रीमेंट रशिया में। तो यहीं पे इसी के बारे में इतना ही याद रखना है कि जो रोपर एटॉमिक प्लांट है जो इंडिया रशिया और बांग्लादेश के बीच में साइन हुआ है। यहाँ पे वियतनाम प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है, यहाँ पे वियतनाम के बारे में बात की गई है। वियतनाम अगर आपको पता ही होगा कि यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट में ही है, अगर आप देखा जाए तो जो साउथ चाइना सी जिसको कहा जाता है उसी के नियर अराउंड बाउंड्री पड़ती है वियतनाम की। तो यहाँ वहाँ अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वियतनाम के जो यहाँ पे देखा जाए तरान जाई क्वांग जी हैं प्रेजिडेंट, जो 3 डे विजिट इंडिया के लिए आए हुए हैं। पहले अगर अपने जैसे फर्स्ट फैक्ट भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे और भी जो जो प्रेसिडेंट आए हुए थे, जो यहाँ के किंग थे अब्दुल्ला जी किंग थे, वो आए हुए थे यहाँ पे, तो उसी के बारे में भी डिस्कस किया गया है फैक्ट। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मोदी जी कैसे मतलब एग्रीमेंट साइन करते हैं हर चीज़ के साथ, बंदे को कैसे मतलब अगर देखा जाए फिलीपींस के जैसे अगर देखा जाए तो इसराइल के नियर अराउंड जैसे मेंटेन रखना, हर चीज़ का बंदे के अपने आप से रिलेशन रखना, मतलब उसके अकॉर्डिंग उसको डील करना, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इससे। मतलब काफ़ी देखा जाए हर कंट्री के साथ अग्रीमेंट साइन करना, तो फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वियतनाम के प्रेजिडेंट हैं जो
वो भी इंडिया के विजिट पे आए हुए हैं। इसके पहले अब्दुल्ला जी भी आए थे, शेख अब्दुल्ला जी। तो उसके बारे में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ हमारा मतलब टाई अप होगा, जहाँ हमारे एग्रीमेंट साइन होंगे, उतनी कंपनी के साथ हम शेयर करेंगे अदर्स के साथ, दूसरों के साथ शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली मतलब एक हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे और वो भी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगी। तो एक प्रकार से कंट्री की ग्रोथ होती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी क्या क्या एग्रीमेंट साइन होते हैं। यहाँ पे मतलब मेनली ऐसे एरियाज हैं फोकस किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी, एग्रीकल्चर, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ये अगर देखा जाए, ये फर्स्ट टाइम विजिट है यहाँ पे देखा जाए वियतनाम के प्रेसिडेंट का। तो फिर भी देखिए, फर्स्ट टाइम विजिट करवाना और कंट्री को आज़ाद हुए, अगर आप देखा जाए तो 1947 से कंट्री आज़ाद हुई हुई है। 47 से लेके अगर आप देखा जाए तो अभी 71 ईयर्स नियर अराउंड हो चुके हैं। तो उसके बाद भी मतलब कोई किसी के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, तो फर्स्ट टाइम ये आ रहे हैं। तो देखते हैं इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। 27 जो सुल्तान अजलन शाह कप है, हॉकी कप है, ये स्टार्ट हो गया है मलेशिया में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 6 जो कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, वो मतलब पार्ट इसमें पार्ट लेते हैं। तो अगर आप देखा जाए, आपको पता होगा कि जो हॉकी है पहले इंडिया की, मतलब आजकल तो हर किसी का फोकस मतलब देखा जाए तो हर किसी का फोकस क्रिकेट पे हो गया है, रेसलिंग वगैरह में हो गया है। पर यहाँ पे देखा जाए तो, या अगर देखा जाए तो हमारी इंडिया की जो नेशनल, अगर आप देखा जाए हमारे इंडिया की जो, अगर ये तो हॉकी भी हमारे इंडिया की अगर आप देखा जाए तो नेशनल, अगर उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। किसी टाइम मतलब हॉकी भी अगर आप देखा जाए तो हॉकी भी इंडिया में फेमस हुआ करती थी। यहाँ पे यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। और इंडिया का अगर नंबर देखा जाए यहाँ पे 6 साइड में है, तो नेशनल, अगर नेशनल जो यार नेशनल हमारा ये यहाँ पे नवजोत कौर, फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन द गोल्ड इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो नवजोत कौर है यहाँ पे, उन्होंने मतलब फर्स्ट गोल्ड मेडल जीत लिया है यहाँ पे रेसलिंग में। तो वहाँ पे तो यहाँ पे फर्स्ट गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो इसी के बारे में यहाँ पे जापान में डिफीट किया है, यहाँ पे जापान में वोमेन को डिफीट किया है इन्होंने। तो हमें इसी के बारे में भी, ये सिंपल सिंपल फैक्ट्स हैं, उसी के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, एट द एंड आइज अवे एंड नो स्टॉप टिल द गोल इज नॉट अचीव्ड, बी द चेंज टू सी बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, सेव वाटर, वाटर इज द लाइफ। सो इसके अलावा ये मेरे चैनल का लिंक दिया गया है नीचे, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हैव ए गुड डे। यहाँ पे अगर मैं जिसके बारे में, जैसे हॉकी के बारे में मैंने बार बार कहा है, तो इसके बारे में मेरे माइंड से वर्ड स्किप हो गया था कि नेशनल अगर देखा जाए तो नेशनल गेम है हॉकी, हॉकी हमारी की अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया की नेशनल गेम है। हॉकी पे काफ़ी फोकस किया जाता है, मतलब पहले काफ़ी फोकस किया जाता था हॉकी पे, अभी मतलब अगर देखा जाए तो क्रिकेट वगैरह पे ज़्यादा फोकस हो गया है। तो उसी पे चीज़ पे बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था, पर मेरे मुँह से वर्ड स्किप हो रहा था बार बार, तो सॉरी फ्रेंड्स। सो इसके अलावा यहाँ पे एट द एंड मैं फिर ये कहूँगा, राइज अवे एंड नो स्टॉप टिल द गोल इज नॉट अचीव्ड, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, से वाटर, वाटर इज द लाइफ। सो ये मेरा लिंक दिया गया है चैनल का नीचे। इसके अलावा IAS IPS चैलेंजर के नाम से पेज है, तो टेलीग्राम पे भी UPSC लाइव के नाम से चैनल है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, हैव ए गुड डे।